सहारनपुर में पहली बार लाइव ओटी वर्कशॉप का आयोजन रविवार 26 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिल्ली रोड स्थित पांडे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया जाएगा। वर्कशॉप का उद्घाटन डीएम पीके पांडे एवं सीएमओ बीएस सोडी द्वारा किया जाएगा। वर्कशॉप द्वारा सहारनपुर वासियों व विभिन्न डॉक्टरों को हार्निया से संबंधित आधुनिक उपचार के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएमए सहारनपुर ने एक पहली बार लाइव ओटी वर्कशॉप जो कि 26 तारीख कल आयोजित की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। ये वर्कशॉप एक लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर और सिंगल पोर्ट लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी कैसे की जाती है इस बारे में की जाएगी। इसमें डायरेक्टली हम लोग जो ऑपरेशंस करेंगे जो कि 6 से 7 ऑपरेशंस हैं वो सीधे नीचे प्रसारित किए जाएंगे जहाँ पे सब प्रकार के डॉक्टर्स बैठे होंगे और वो सीखेंगे कि ये किस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अवनीश सिंगल आईएमए सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ यहाँ पे आईएमए का। और कल हमारे आईएमए की बैरक पे हमने यहाँ पे एक लाइव ओटी वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसके ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अमित माने ने भी आपको इसकी जानकारी सारी दी है कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से पेट के अंदर न जा करके दूरबीन से हम हर्निया का रिपेयर कर सकते हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारी पुलिस स्टेप्ट में होगी, कितने का ऑपरेशन होता है तो लेप्रोस्कोपी से होता है लेकिन उसमें चार अलग अलग इंसीजन एक थोड़े छोटे छेद बना करके उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट घुसा के तब उसके अंदर वो ऑपरेशन करते हैं। पर हम सिंगल पोर्ट से यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए भी लोगों को सिखाएंगे और दिखाएंगे भी जिसका सीधा प्रसारण बाहर रखे LGBTQ+ पर रहेगा। डॉक्टर अमित पांडे, मैं ट्रेजरर हूँ आईएमए का एंड इस कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर भी हूँ। ये एक लाइव ओटी वर्कशॉप है, इसमें हम लोग और फैकल्टीज मिलके एक डुअल वे ऑडियो एंड वीडियो से बैठी हुई ऑडियंस को लगभग 6 से 7 अलग अलग तरीके के हर्निया और गॉल ब्लैडर के केसेस दिखाएंगे। आज तक हर्निया के केसेस को ओपन और लैप्रोस्कोप दोनों से किया जाता था। इसमें हम सहारनपुर में अभी तक ना यूज होने वाली तकनीक टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यानी कि चमड़े के नीचे व बिना पेट में जाए हुए हर्निया का उपचार करने का तरीका डॉक्टरों को सिखाएंगे व इस ऑपरेशन से संबंधित सभी जटिलताओं के बारे में अवगत कराएंगे।